वाराणसी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सीएम ने देर रात वाराणसी पहुंचकर घायलों का हाल जाना और हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का देने का ऐलान करने के साथ ही जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया है। 48 घंटों के अंदर हादसे की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि उस मामले पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि लोकल स्तर पर भी इस पूरे हादसे की जांच कराई जाएगी। घटना दुखद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी घटना के तत्काल बाद पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम की ली और तत्काल राहत कार्य प्रारंभ करने के बारे में भी आवश्यक निर्देश जारी किए। मैंने तत्काल अपने डिप्टी सीएम को और प्रदेश के अपने विभाग जो विभागीय मंत्री थे उनको यहाँ पर स्वयं मौके पर राहत कार्यों को प्रारंभ करने के लिए भेजा। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के लिए एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन, पूरे मामले की जांच करने के लिए हम लोगों ने लोकल स्तर पर भी स्थानीय प्रशासन से भी कहा है कि पूरे घटना की जांच के हर पहलू की करके रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। पूरी जवाबदेही तय होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। तो वाराणसी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सीएम ने देर रात वाराणसी पहुंचकर घायलों का हाल जाना है और हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाराणसी में फ्लाईओवर हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नेशनल वॉइस संवाददाता शिवा तिवारी ने जाना मरीजों का हाल। बनारस के पुल हादसे में करीब 11 लोग घायल हुए हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जो ज्यादा गंभीर थे उनको बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और जो दूसरे कम गंभीर जो लोग घायल हैं उनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराए। इस समय हम कबीर गौरा अस्पताल में आए हैं, जहां पर यहां पर जो पुल हादसे में घायल लोग हैं वो यहां पर मौजूद से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कैसे जिस समय ये हादसा उस समय आप क्या कर रहे थे वहां पर? कैसे हुआ था? पूरा गाड़ी में चला रहे थे दोपहिया, तो अचानक गिर गया ऊपर। कितनी भीड़ रही होगी लगभग वहाँ पर? बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत भीड़ था वहाँ पर। अभी यहाँ पर आपको निकाल के लाया गया है, इलाज ठीक ठाक से हो रहा है? नहीं, इलाज ठीक हो रहा है। कहाँ कहाँ पर चोट आई आपको? यहाँ दांत टूट गया। इसके अलावा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो उस वक्त हादसे का शिकार बने थे। आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? सजावट का काम करते हैं। जिस समय ये हादसा हुआ आप कहाँ जा रहे थे, उस कैसे हुआ था सब कुछ? भैया राजा तालाब से आ रहे थे हम लोग, हम लोग माल दे के आ रहे थे और जो है वहाँ पे काफी जाम लगा हुआ था। तो जाम लगा हुआ था, हम लोग साइड से आ रहे थे। हम सोचे कि हम निकल जाएंगे साइड से, तो आगे निकल जाएंगे और जाम इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग निकल नहीं पाए। ऊपर से डिवाइडर की कुछ आवाज़ें आई, पहले 2-3 छड़ गिरा वहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा कि छड़ गिरा है, तो मुझे कोई फेंक दिया होगा। मगर ऊपर जब नज़र पड़ी तो देख रहे डिवाइडर आ रहा है, मगर भागने का हम लोगों को मौका किसी को भी नहीं मिला। तुरंत गिर गया वो, जो है काफ़ी लोग चपेट में आ गए उसके। सिटी बस के बगल में हम लोग थे, उसी के नीचे हमारा बाइक भी दब गया, हमारा पैर फंसा हुआ था। हादसे के लगभग 20-25 मिनट के बाद हमको लोग ने निकाला वहाँ पर। अच्छा। आम पब्लिक ने वहाँ पर निकाल दिया हम लोगों को।
अचानक से गर्डर गिरा जब ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी भीड़ थी जिस तरीके से बता रहे हैं उस हादसे का शिकार। यहाँ पर एक और जो घायल हैं उस हादसे में उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? पदमलाल। आप क्या करते हैं और वहाँ पर कैसे ये हादसा हुआ था जब वहाँ पर आते? हम ऑटो से आ रहे थे बनारस, कुछ काम से आ रहे थे, उसी में बैठे थे तब से पुल गिरा। जिस समय ये गिरा था पुल, उस समय वहाँ पर क्या पहले कुछ और चीज़ हुई थी, अचानक से गिरा या भगदड़ मची थी, क्या स्थिति हुई थी वहाँ पर? अचानक ही गिरा एकाएक। कितने लोग रहे होंगे लगभग उस जगह पे? वहाँ पे लगभग 40-50 लोग से कम नहीं रहेंगे, सब अपने अपने गाड़ी में बैठे थे। किसने निकाला था आपको वहाँ से? जनता ने। अच्छा, जनता निकाला था। कहाँ कहाँ पर चोट आई है आपको? यहाँ पे चोट आई है। ऑटो में आपके साथ और कौन कौन था? ड्राइवर था बस, ड्राइवर पता नहीं कहाँ है, वो सलब वहाँ पे BHU में। तो आप लोगों के घर वालों को सबको जानकारी दी गई, इलाज वगैरह ठीक से हो रहा है? यही है, घर वाले हैं और लोग रहे। अच्छा, हाँ इलाज चला था। ये कई लोग ऐसे घायल थे जिनको यहाँ पर लाया गया था इस अस्पताल में, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोटें थी, उनका शुरुआती इलाज के बाद यहाँ से वापस भेजा गया, लेकिन तीन ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी यहाँ पर इलाज चल रहा है। बाकी के जो घायल हैं जो ज़्यादा गंभीर, उनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कैमरामैन दिलीप सिंह के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, बनारस।